हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन टीचिंग जॉब के बारे में, ठीक है। और मेरे ख्याल से एक पार्ट टाइम जॉब है जहां पर आपको दिन के बस एक या दो घंटे यहां पर देने, मैं कह रही हूं एक या दो घंटे, क्यों? क्योंकि इसके जो वीकली रिक्वायरमेंट है ना, वो मिनिमम 8 आवर्स की, मतलब इफ यू कैन डेडिकेट ओनली 8 आवर्स ऑन अ वीकली बेसिस, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो बहुत सारे लोगों के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, जो लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते डेफिनेटली इस जॉब के लिए वो जरूर अप्लाई कर सकते। तो मिनिमम आपको दिन के एक या दो ही घंटे यहाँ पर देने हैं, तो वीकली आपका 7-8 घंटे का काम हो जाएगा। आपकी जो पेमेंट रहेगी वो आर्ली बेसिस पर यहाँ पर लगने वाली है। मिनिमम आप एक घंटे के लिए यहाँ पर 500 रुपीज आपको यहाँ पर मिलने वाले, जो कि बहुत ही अच्छी इनकम है मेरे ख्याल से। आप सोच के चलो, अगर आप वीकली 8 घंटे भी यहाँ पर काम कर लेते हो तो डेफिनेटली आप उसका आधा, मतलब 4,000 तो आराम से कमा लेते हो। डेफिनेटली जो पेमेंट रहेगा, जो भी आपका पे स्केल रहेगा, जितने आवर्स आप यहाँ पर डेडिकेट करोगे उसी पर डिपेंड रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगी यहाँ पर क्वालिफिकेशन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जो जो सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आपको उसका नॉलेज है, फिर आपकी डिग्री उससे रिलेटेड है या नहीं भी है, फिर भी अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई हियर। पैन इंडिया से हायरिंग है, नॉट नेसेसरी कि आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन से जाना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम है और परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहेगा ये, ठीक है। अब बात करूंगी यहाँ पर कि यस, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट टाइम जॉब, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। फिर आप किसी भी ईयर के हो और एज अ फ्रेशर भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। नॉट नेसेसरी आपके पास में कोई एक्सपीरियंस होने की जरूरत है, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, आप फ्रेशर भी यहाँ पर काम कर सकते हो। अब सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है जो आप यहाँ पर सिखा सकते हो। तो मेनली यहाँ पर सब्जेक्ट्स अवेलेबल है मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, फिजिक्स, बॉटनी, कॉमर्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड अकाउंटेंसी। अगर आपको इन सब्जेक्ट का, मतलब आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा या आपको उसका नॉलेज एकदम एक्सीलेंट है, तो एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउसवाइफ, फिर कोई भी आप हो, अगर आपके पास में स्ट्रांग नॉलेज है ये पढ़ाने के लिए और वो स्किल्स है आपको, डेफिनेटली टीचिंग कोई इजी टास्क नहीं है, आपके पास में वो स्किल होना चाहिए तभी आप सिखा पाते हो। 1-to-1 का ये यहाँ पर टीचिंग रहने वाला है, ठीक है। और क्लास 6-to-12 के लिए ही है ये आपको, मतलब आप जिस क्लास के लिए प्रेफरेबल हो, 6 के लिए हो, 7 के लिए हो, 8 को हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, या फिर नीट के लिए है, JEE के लिए है, तो ये सारे यहाँ पर इन क्लासेस के सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब उसी के साथ में यहाँ पर एक मतलब जिस मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ये है ब्राइट लर्निंग नाम का एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है, जो कि काफी अच्छी है मेरे ख्याल से, तमिलनाडु की शायद से ये कंपनी है, बट इट्स ऑनलाइन तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहीं से भी बिलोंग करती हो। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किया, वहां पर एक ऑनलाइन टीचिंग चलती है इन सब्जेक्ट्स की। उसी के साथ में ये एक्चुअल में इनका मेरे ख्याल से एक ऐप भी है जहां पर ये लोग एक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो टेस्ट सीरीज का क्या काम है यहाँ पर, तो बच्चों को क्वेश्चन पेपर्स वहां से डाउनलोड करने पड़ते हैं, जो कि वो बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो उसका आंसर कर लेते हैं, और वो चेक करने के लिए, अब बात सोचो थोड़ा सा, तो वो बात चेक करने के लिए वो फिर से सबमिट करते हैं और उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पे करते हैं। तो मेरा कहने का मुद्दा यही है कि यहाँ पर जैसे ऑनलाइन टीचिंग होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पर डेफिनेटली पेपर चेकिंग का भी काम चलता होगा या पेपर सेटिंग का भी काम चलता होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर वो वैकेंसी है नहीं, लेकिन स्टिल मैं ये कह रही हूँ, ये बस मैंने मेरा खुद का दिमाग चलाया, वैकेंसी तो सिर्फ ये जो सब्जेक्ट मैंने कहा उसी के लिए, लेकिन ये इसका मतलब वो पार्ट जो है टेस्ट सीरीज का, ये इसी वेबसाइट का है, तो डेफिनेटली वहां पर भी आप काम कर सकते हो। तो एक बार अप्लाई पहले, मतलब एटलीस्ट यहाँ से पहले अंदर तो चले जाओ टीचिंग के लिए, बाद में देखो उसकी आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, ठीक है। डे शिफ्ट का काम रहने वाला है, इवनिंग शिफ्ट में भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। और ब्राइट लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, आप इसका ये भी चेकआउट कर सकते हो। अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए एक इसकी डायरेक्ट एक गूगल फॉर्म, एक उनका खुद का टीचिंग का फॉर्म है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी हूँ। जब आप उस लिंक पर क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने ये वाला फॉर्म आ जाएगा। अब इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके भरनी है, जैसे कि आपका फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर हो गया। अगर आपके पास में कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब एक्सपीरियंस है कोई है तो वहां लिखना, नहीं तो 0 है वही लिख देना। देन आपका मोबाइल नंबर अच्छे से डाल देना, जो एक्टिव है वही लिखना वहां पर। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो भी आप वहां पर दे सकते हो। एंड मतलब यहाँ पर सीवी देने की जरूरत नहीं है, फुल ऑन आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वही यहाँ पर भरनी है। और आप कौन से सब्जेक्ट को सिखाना प्रीफर करोगे, कौन से क्लास को सिखाना प्रीफर करोगे, ये सारी चीजें आपको वहां पर लिखनी है। और कौन से गैजेट्स आपके पास में होने चाहिए, मतलब है क्या, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, माइक हो गया, तो ये सारी चीजें आपको उन लोगों ने पूछी है। और आप कौन से लैंग्वेजेस आपको आती है, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी तो परमानेंटली यहाँ पर आना, मतलब लिख ही देना, और फिर आपका जो कोई भी लोकल लैंग्वेज है वो लिख देना, ठीक है। और ये करने के बाद में मेरे ख्याल से आपको ईमेल तो आएगा या तो फोन कॉल आएगा। अभी जो अप्लाई करेंगे लोग जो उसके लिए क्वालिफाई होंगे, डेफिनेटली उन लोगों को यहाँ से रिवर्ट बैक जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिवली हायर कर रहे हैं। आई गेस 2 दिन पहले इसका एड आ गया था,
तो डेफिनेटली आप एक बार अप्लाई जरूर करके देखना। और जो लोग अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, जो मैंने परमानेंटली एक पार्ट टाइम जॉब सर्च किया था आप लोगों के लिए, शेयर किया था कुछ साथ, जहां पर 3 या 4 घंटे आपको काम करेगा, वो स्पेसिफिकली वुमन्स के लिए था, जहां पर हमारे 4 से 5 सब्सक्राइबर सिलेक्ट भी हो गए थे, वो काम भी करना वापस स्टार्ट हो गए। बट मेरा यही कहना का मुद्दा है यहाँ पर कि भाई देखो, ये करने के लिए भी एक टाइम लगता है। वो लोगों का नियर अबाउट 3 वीक्स के बाद में वहां पर सिलेक्शन हो गया था, जो प्रोसेस चल रही थी वो थोड़ी सी लेंथी थी वहां पर, ठीक है। तो इसी तरह पर अगर थोड़ा टाइम लगता है तो प्लीज मत सोचना कि 2 दिन में रिवर्ट नहीं आया, 3 दिन में रिवर्ट नहीं आया। कोई कोई कंपनी डायरेक्टली फटाफट रिक्रूटमेंट स्टार्ट करती है, कोई कोई कंपनी थोड़े से धीरे से काम करती है। तो बट थिंग इज दैट इट्स अ जेन्युइन, और आप यहाँ पर डेफिनेटली आग बंद कर अप्लाई कर सकते हो, और कोई पैसे नहीं मांगेगा ये जॉब करने के लिए आपको, ठीक है। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, विल गेट इन टच इन द नेक्स्ट वीडियो।